न्यूज क्लिक पोर्टल और इससे जुड़े पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का एक्शन जारी है। मंगलवार सुबह हुई इस कार्रवाई पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। एक ओर जहां कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार जातिगत जनगणना के चलते ये कार्रवाई की है, वहीं सीपीएम ने भी छापेमारी पर सवालिया निशान लगाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं कि जातिगत जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए न्यूज क्लिक के खिलाफ कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना के विस्फोटक नतीजों और देश में बढ़ती जातिगत जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। इसी केस के सिलसिले में पुलिस मंगलवार को सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी के आधिकारिक आवास पर पहुंच गई थी। येचुरी ने बाद में स्पष्ट किया कि दिल्ली पुलिस उनके घर क्यों पहुंची थी। येचुरी ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस की छापेमारी में सीपीआईएम का कोई हाथ नहीं है। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि दिल्ली पुलिस हमारे घर पहुंची है क्योंकि हमारे पार्टी के साथी हमारे साथ रहते हैं, जिनका बेटा न्यूज क्लिक में काम करता है। हमारे घर पे पहुंचे जहाँ पे हमारे पार्टी के साथी हमारे साथ रहते हैं, जिनका लड़का न्यूज क्लिक में काम करता है। ये क्यों मार रहे हैं छापा, क्या है कारण, क्या है चार्ज, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब ये बता भी नहीं रहे कि किस लिए कर रहे हैं सब। हम क्या चाहते हैं कि वो स्पष्टीकरण दे, ये क्यों हो रहा है, ये हमला क्या मीडिया के ऊपर है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर है, और इसीलिए दुनिया के अंदर वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में लगातार गिरावट होती जाती है, और एक तरह से प्रचार होता है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वहीं वाम नेता ने कहा कि ये मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, इन्हीं वजह से दुनिया के प्रेस इंडेक्स में लगातार गिरावट होती जा रही है, दूसरी तरफ से प्रचार होते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कई पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की है और साथ ही दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। इसके साथ ही छापेमारी के दौरान कई लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 30 से ज्यादा स्थानों पर मंगलवार सुबह दबिश दी। खबर है कि पत्रकारों के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।